और आप चाहते हैं कि हमेशा आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा वही हो जो कि पहले था जो डिजायर्ड रिजल्ट है तो उसके लिए आपको जो प्रोसेस है उसको जिसे कहते हैं फाइन स्लाइस करना पड़ेगा प्रोसेस देखिए अभी आपने ये चेकलिस्ट की बात की है बात यह है कि जैसे आप मशीनरी के साथ डील कर रहे हैं या प्रोसेसर के साथ डील कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा आपका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा वही हो जो कि पहले था जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो प्रोसेस है उसको जैसे कहते हैं फाइन स्लाइस करना पड़ेगा प्रोसेस को उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको कि इस स्टेप पे मैंने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ करना है मैंने मेजरमेंट किस चीज़ की करनी है कोई उसके अंदर एक्टिविटी है कोई उसके अंदर मटेरियल है वो इस स्टेप पर मैं ये करूँगा फिर अगले स्टेप में फिर अगले स्टेप का फिर वही मटेरियल मैन ट्रेनिंग ये वो इंस्ट्रूमेंट फिर तीसरा स्टेप चौथा स्टेप जब तक ये हर स्टेप सिस्टमेटिकली नहीं होगा तो एंड प्रोडक्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी का नहीं होगा वो हमेशा कभी थोड़ा ऊपर हो गया थोड़ा नीचे हो गया तो एक तो इसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल प्रोसेस कंट्रोल एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको किसी चीज़ पे भी अप्लाई करें आप सेवर पे चले जाएं यहाँ पे तो सेवर वाले ने प्रोसेस कंट्रोल इतना अच्छा किया हुआ है कि उनका शामी कबाब की खुशबू और जायका हमेशा एक जैसा है तो मैं कभी कभी स्टूडेंट्स को वहाँ लेके जाता था दिखाने के लिए वॉट इज प्रोसेस कंट्रोल के इवन इन्हें कि उन्होंने किस तरीके से कितनी देर उसने तेल में रहना है उसके अजाए तरकी क्या है जो रेसिपी जिसको आप कहते हैं रेसिपी क्या है रेसिपी हमेशा स्टैंडर्ड उसकी जो चीज़ें हैं वो मेजर्ड किस तरीके से करनी है इतना कितना बड़ा लॉट बनाना है कीमे का उसको क्या करना है उसके बाद उसकी टिक्की कैसे बननी है टिक्की बना के अंदर कैसे रखनी है वो कितनी देर अंदर रहेगा किस टेम्परेचर पर रहेगा फिर जाके वो शाम इकबा तो इसको कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल अब अगर आप किसी कोक को दे दें वो बनाया उसने बना के तेल में डाल दिया कभी जल्दी निकाल लिया कभी देर से निकाला तो वो तो वो नहीं बन सकता है जी तो लेकिन यह कि जब आपने उसको थोड़ी सी ऑटोमेशन कर दी उसके पास उसके साथ पीएलसी लगा दिया प्रोजेक्ट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर लगा दिया ये इनके किचन में लगा हुआ है सेवर के हैं तो देन दैन यू डू इट अच्छा इसकी जो बिल्कुल दूसरी साइड है जिसके साथ इंसानी जानों का बहुत ज्यादा ताल्लुक है वो फ्लाइंग है फ्लाइंग में ये हो ही नहीं सकता कि आप प्रोसीजर से हट के कोई काम करें और आपको उसकी नामा हो जाए स्वाइस के पाकिस्तान में होता क्या है कि आप छोटा जहाज है मैं खुद फ्लाइंग करता रहूँ और मुझे याद है कि हमने एक उसके प्री फ्लाइट चेक्स करने हैं जहाज़ के इर्द गिर्द घूम के हमने क्या देखना है कॉकपिट में बैठ के क्या करना है और जहाज़ स्टार्ट करने से पहले क्या करना है रन वे पर क्या करना है टेक ऑफ के बाद क्या करना है हर एक ही एक प्री फ्लाइट है लेकिन जब आप वो छोटे जहाज़ से कमर्शल लाइनर पर चले जाते हैं तो कितना ही बड़ा पायलट हो कुछ भी हो उसको उस चेक लिस्ट के साथ ही काम करना पड़ता है जब वो नहीं काम करता तो वो होता है जो यहाँ पे मारगला की पहाड़ी में एक जहाज़ क्रैश हुआ उसका वो जो कैप्टन था वो बहुत ही कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा था तो वो सोचता था कि मैं तो कभी गलती कर ही नहीं सकता उसका को पायलट वो कह रहा था कि सर ये आपने डायरेक्शन गलत पकड़ ली उन्हें कहा यार तुम खामोश रहो अच्छा उसने अपने दिमाग से काम शुरू किया और ख़ुद भी और सब लोगों को सवाई एक बंदा ही बचा उसमें उस सब के साथ जो थे ना इस जहाज़ में मर, सामने यहाँ पे मरगला की पहाड़ी पे वो एयर ब्लू का जहाज़ क्रैश हुआ तो ये जो है ना जो प्रोसेस उसको प्रॉपरली फॉलो करना ये बहुत ही लाजमी है ये गांव की सोसाइटी में आप कर सकते हैं चलो जी आज भैंस का दूध ऐसे चो लिया कल को थोड़ा वैसे कर लिया लेकिन उसमें से फिर वही स्टेज वही रहता है अगर आपने मॉडर्न uh, मैकेनिज्म के साथ और mm, मंडी में खड़े होना है किसी अच्छे प्रोडक्ट के साथ कुछ भी आपने करना है तो ये इट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चेकलिस्ट के साथ करें वरना बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और कई दफ़ा एक छोटा स्टेप होता है सारे में अगर वो स्टेप स्किप कर गए एक छोटी सी रबर की ओ थी ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जो एक्सीडेंट हुआ था ब्रिटिश पेट्रोलियम का वहाँ पे एक गैस पाई गैस नीचे दरियाफ्त हुई और वो सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सके और वो फट गया और गल्फ़ ऑफ मेक्सिको में जो ऑयल स्पेल हुई और जो जाने गई और जो माली नुकसान हुआ वो इतना बड़ा हुआ कि ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी डावनडोल हो गई और सो मच सो के उनको जो नुकसान और जो उनको हर जाना भरना पड़ा वो इतना हुआ था कि वो ब्रिटिश पेट्रोलियम अपना जो पाकिस्तान में उनका बिजनेस था वो किसी और चाइनीज़ कंपनी को बेच के कैश लेके उन्होंने वहाँ यूज़ किया ये कई दफ़ा हमारे यहाँ पे शोर जाता है ना था जी पाकिस्तान के हालात ख़राब हो गए ब्रिटिश पेट्रोलियम चली गई है वो ब्रिटिश पे इस वजह से नहीं गई थी क्योंकि उनको लॉसेज उधर हुए थे जब उसके ऊपर उन्होंने उसका एनालिस किया ना तो बीच में एक रबर की छोटी सी ओरिंग थी जो कि मेल फंक्शन कर गई और उसकी मेल फंक्शन की वजह से जो वहां से लीक स्टार्ट हुई वो करते करते उसने इतना बड़ा एक धमाका कर दिया कि इतना बड़ा नुकसान हो गया उसके साथ अब वो जो रबर की ओरिंग थी उसका मटेरियल या उसकी स्पेसिफिकेशन या उसकी डिटेल किसी ने स्किप की है अगर वो ठीक होती तो प्रॉब्लम नहीं होनी थी सिर्फ उसकी वजह से सारा जैसे उसका जब एनालिसिस किया गया ना रूट कॉज एनालिसिस जिसको कहते हैं जब वो किया गया तो रबर की छोटी सी रैंक जो कि हो सकता है बहुत बहुत ही एक्सपेंसिव होगी तो पचास डॉलर की होगी सौ डॉलर की होगी पाँच सौ डॉलर की होगी लेकिन जो नुकसान हुआ वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ कंपनी सारी की सारी हिल गई है वो बैंकअपसी से पीछे गई क्योंकि उसने बहुत से जो दुनिया में से अपने बेचे फिर वो उस नुकसान से निकले वो तो इसलिए ना ये जो आपकी बात है ना कि जी आपको आदमी को अपने जहन से करना चाहिए जहन से करने के अगर करना तो आप उसको अलहदा लिखें करें उसको कोई उसकी ट्रायल अलहदा करके देख लें लेकिन आप किसी सिस्टम के अंदर जैसे जी करें कर लिया ये नहीं चलती काम